हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम डॉट काव्या 19। और हम सब तैयार हो गए हैं। आज जा रहे हैं हम बुआ के यहाँ सिंधारा लेके। मम्मी भी साथ में जा रही है, काव्या, राजा, सरजी। सरजी तैयार हो गए हैं, राजा भी तैयार हो गया है, मम्मा बाहर गई हैं तो काव्या उनके पीछे पीछे गई है। सरजी बतानी अपने फ़ोन के लिए कितने दिन तक परेशान रहेंगे, कब डिसाइड होगा कौन सा लोगे? जितने लेट होंगे उतने ही नए वर्जन के आएंगे, बढ़िया बढ़िया। तो फिर 1-2 साल मत लो। अरे आप सस्ता वाला ले, 8-10 हज़ार। तो चलिए चलते हैं, मम्मी और काव्या तो चली गई है बाहर। और ये घर का लॉक लगा दिया है मैडम जी ने। मैडम जी अपनी साड़ी ठीक करते हुए। हाँ बेटी, आप क्या कह रही थी, कहाँ जा रही हो? हम हापुड़ जा रहे नहीं है। हापुड़ जा रहे नहीं है, कहाँ जा रही हो? हम बुआ के घर जा रहे हैं, सीमा के बुआ के घर। सीमा बुआ के ना जा रहे, मेरी पापा की बुआ के घर। पापा की बुआ के घर, पापा की बुआ। राजा जा रहे हैं। हाँ हाँ, और हम सब अब निकल चुके हैं। और सरजी ले रहे हैं यहाँ से जलेबी प्रसाद में बांटने के लिए। कोई था वो आपके दोस्त थे? आपके दोस्त थे नहीं। हाँ वो मेरे दोस्त थे। आपके दोस्त थे? हाँ। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है गाइस। साइकिल ले होगी? साइकिल तो है लेकिन तुम्हारे पास मितौली में रखी है और यहाँ घर भी रखी है। ये साइकिल की दुकान देख के काव्या कह रही है मुझे साइकिल चाहिए। काव्या मांग रही थी अपनी अम्मा से पैसे, अम्मा पैसे दे दो मुझे साइकिल लेनी है। अभी अब काव्या ने ये पैसे ले लिए हैं, ये साइकिल आ जाएगी इतने पैसे में। काव्या की कह रही मेरी साइकिल आ जाएगी। अब कहाँ से लोगी साइकिल? दूसरी वाली दुकान पे। ये पैसे कम है? कम नहीं है, बहुत सारे नहीं है। बहुत सारे नहीं है ये, फिर किसके घर जा रहे हैं? हम जा कहाँ रहे हैं? पापा की बुआ के पास। पापा की बुआ के पास जा रहे हैं? अच्छा तुम्हें तो पता है भाई, तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। अब क्या करोगे? ओ बेटे अमरूद वाला, ओहो अब नहीं गए, अब निकल गए। आइसक्रीम भी निकल गई, अमरूद भी निकल गई। दिखा दिखा रहे हैं बस सर जी, आइसक्रीम अमरूद। पुलिस कौन है ये? पुलिस। आप जानती है पुलिस को? काव्या जब भी पुलिस वालों को देखती है तो बहुत डर जाती है। राजा को पीना जूस, काव्या को खानी आइसक्रीम, मुझे खाने अमरूद। मम्मी क्या खाना है? छोले भटूरे, अमरूद, अनार, सब। मुझे आइसक्रीम खानी है, इन आइसक्रीम खानी है। और ये काव्या और राजा की हो गई है लड़ाई चिप्स के लिए, चिप्स और बिस्किट के लिए। क्या लाए हो तुम दोनों? बंदर आ गया चिप्स लेके। जी जा रहे हैं गाड़ी खड़ी करने के लिए। ये मम्मी और राजा आगे आगे जा रहे हैं। और काव्या सो गई है, गाड़ी में ही सो गई थी। तो फ्रेंड्स हम बहुत देर के आ गए हैं और अब मैं आई हूँ ऊपर। ऊपर मौसम इतना अच्छा हो रहा है, वैसे तो टाइम भी 6 बज गए हैं और आते हुए दिखा नहीं पाए क्योंकि सर मम्मी और राजा आगे आ गए थे और मैंने काव्या को गोद में लिया था क्योंकि काव्या सो गई थी और सरजी बाद में आए थे सामान लेके। और काले काले बादल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है बारिश आएगी, थोड़ी थोड़ी आ भी रही है। और ये सरजी और काव्या बैठे हैं, काव्या भी सो के उठी है। और ऊपर आ गई है बारिश और बहुत अच्छी हवा। और काव्या करके आई है सूसू, सरजी बना रहे पजामी और चल रहे नीचे। नीचे बन रहा खाना, सब नीचे ही है क्योंकि ऊपर आ गई है बारिश। चलो नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। और सोनी बना रही है खाना, पूड़ी बना रही है, बुआ रायता बना रही है। राजा तो बिल्कुल दिखाई ना दे रहा, अंधेरा हो रहा और मुंह भी छिपा लिया है। और काव्या को लगी है भूख, काव्या कह रही है मम्मा मुझे खाना खाना है, खाना दो। बुआ से बोलो, बुआ खाना दो मुझे। बोलो काव्या, देखो बारिश आ गई कितनी।
बारिश आ गई बहुत तेज। हटो तो देखें देखें चलो 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 बारिश आ गई। और ये देखो कितनी तेज बारिश आ गई है, बारिश आ गई है बहुत तेज। मौसम हो रहा था बहुत घटा हो रही थी, बिल्कुल काले काले बादल थे और इतनी तेज बारिश आई है, बहुत ही तेज बहुत तेज बारिश है। ये बारिश दिख रही है तुम्हें? देखो आया हो रही है बारिश। कितनी तेज बारिश हो रही है काव्या? अरे रोएगी, बाहर मत निकालो। पापा को बता दूंगी, पापा को बता दो। हमारे यहाँ पे बारिश हुई है बहुत तेज। देखो आज हमारे यहाँ पे भाभी आई हुई है और हमारे यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई हुई है। खाना बना दिया है इन्होंने, पूरी ठंडी करा दी है भाभी से। गाइस काव्या खाना खा रही है, काव्या खाना खा रही हो? काव्या को भूख लग रही थी इसलिए मैं काव्या को पहले खाना खिला रही हूँ। इसमें थोड़ा सा क्या आ गई सलाद? काव्या क्या आ गया? बस काव्या नींबू बस। इसमें काव्या क्या आ गया? बस काव्या के लिए आ गया सलाद। काव्या को बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए पहले मैं काव्या को खाना खिला रही हूँ। सब्जी डाल देना, मैंने सब्जी डाल। क्या खा रही हो? राजा भाई और हम खा रहे हैं बुआ के यहाँ खाना, और खाना बहुत लाजवाब बनाया है। वो किसने बनाया खाना? जी मैंने बनाया। कुछ खाना हमारी बुआ ने बनाया है, कुछ खाना बनाया है सोनी ने। देखो ये कितने प्यार का खाना खिला रही है हमारी छोटी बुआ अपनी भाभी जी को। और खाने में बहुत टेस्ट है, और खाना है और पूरी है, पनीर की सब्जी है, सलाद है, रायता है और नंबर वन खाना है। बहुत बढ़िया लगा रहा है खाना। और मौसम इतना सुहावना, पीछे पड़ रही है हमारे पीछे बहुत तेज बारिश। जब हम आए थे तो यहाँ बहुत गर्मी थी, हालांकि लाइट अभी भी नहीं है, लेकिन बारिश से इतनी राहत है कि मतलब पंखों की जरूरत तो है नहीं। बहुत ठंडी ठंडी हवा और बारिश की फुहार भी आ रही है यहाँ पर। और ये देखो काव्या, राजा और कल्लू कहाँ बैठ के बारिश का एंजॉय कर रहे हैं। और ये बारिश के बाद सड़क की सफाई। हम सबने खाना खा लिया, खाना बहुत अच्छा बना था। पहले मैंने काव्या को खिलाया, फिर मैंने खाया सर्दी, और इन्होंने सबने अलग बैठ के खाया था। काव्या, राजा और कल्लू बैठ के बारिश का एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग अपने अपने बारिश के बाद अपने घर के सामने इतनी सफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खंजा साफ कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम अच्छा मैंने तो खाना इतना खाया बिल्कुल गले। मैंने नहीं खाया, मैंने तो खाना कंट्रोल में ही खाया, क्योंकि खाना ज्यादा खाने से परेशान हो जाते हैं। अभी सर जी देखना जब चलेंगे तो कहेंगे मेरा पेट यहाँ तक सब परेशान हो जाएंगे। देखा जाएगा जो होगा। और सोनी अभी खाना बना रही हैं, बुआ भी निकाल रही हैं। कल है तीज और तीज की तो कोई तैयारी हुई नहीं है हमारी, अब जाके देखेंगे वैसे क्या रात में ही चलेंगे। मेहंदी सोनी से लगवा लेती हूँ और सुबह किया जाएगा जो भी करेंगे। हमें सब नए कपड़े पहन के मेहंदी लगा के और शाम के टाइम सब नहर पे जाते थे खेलने। ये मेरे गांव की तीज थी, और जब हम छोटे छोटे थे तो हम भी नए कपड़े पहनते थे, मेहंदी लगाते थे और बहुत एंजॉय करते थे। बुआ तुम्हारे यहाँ पे कैसे बनाते थे? हमारे यहाँ पे भी नहर पे ही जाते थे। और गांव में कैसे मनाए गए तुम सब? बस हम तो झूला झूल रहे, हम ना जा रहे कहीं, बस कचौरी पकौड़े खाए, मेहंदी लगी जावे एक दिन पहले, उस दिन हम जंगल बाहर कहीं ना जावे और झूला झूले, नीम पे डाल ले, नीम पे ना डाले तो बारिश हो तो किसी के बरांडे में। और जब मैं छोटी थी तो मुझे तो झूला झूलने में इतनी उल्टी होती थी, मैं झूला नहीं झूलती थी, बाकी सब करती थी। और अब मैं झूला भी झूल लेती हूँ
अब मैं गाड़ी में भी चली जाती हूँ, पहले मैं ना गाड़ी में जा सकती थी, ना बस में जा सकती थी, ना झूला झूल सकती थी, लेकिन अब तो मैं गाड़ी में भी चली जाती हूँ, बस में भी चली जाती हूँ और झूला भी झूल लेती हूँ, अब मुझे नहीं होती। नहीं, हापुड़ में तो अब भी तीज बहुत अच्छे से मनाई जाती है, हमारे हापुड़ में तीज का मेला लगता है बहुत बड़ा, आर्य समाज मंदिर में बहुत झूले लगते हैं और तीज का मेला लगता है, मैं कई बार दीदी के साथ गई हूँ तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, हापुड़ में बहुत अच्छे से तीज मनाई जाती है। आज काव्या ने सुबह से खाना नहीं खाया था, अब खुद मांग के खाया है, मम्मा मुझे खाना खिला दो, मैं नहीं खाती, और अपने पापा के पास आके लेट गई, कह रही मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ अब, और जब इसका मन नहीं होता तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनवाती, कहती मेरी वीडियो मत बनाओ, और जब मन होता है तो कहती है हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो गाइस। सोनी लाई अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए सर जी को, मैंने तो 11 से बनाई ना ड्राइंग, मुझे पापा ने अपना फोन ले दिया, ये है सोनी की ड्राइंग, मम्मी ड्राइंग बेटी, एक सेकंड अभी ले लियो, बहुत सुंदर ड्राइंग, एक ये है जो आउटलाइन है, ये 10 10 10 भी, और ये कितना सुंदर फूल बना रखा है सोनी ने, और ये फिस वाला आलेखन, ये बहुत अच्छा दृश्य बना रखा है इन्होंने, वाह बहुत सुंदर अच्छा। है ये तो, कहने का मतलब ये किसी ये देख के कुछ भी मतलब कोई भी किताब किताब ये कितने सुंदर सुंदर बनाए, और उन्होंने कहीं किसी बुक से कोई देख के नहीं बनाया, खुद से ही बनाया ये सारी चीजें, इतना सुंदर जग बना रखा है, ये तो इससे बोला है, अरे गले मिल लियो गले, है क्या कह रही है, ये बैग लेके जा रही है काव्या जी जी, चलो भाई ठीक है बुआ चलें, गाइस अब हम जा रहे हैं गाइस, मत चलता भाई, अब सब आ रहे हैं फिर जाएंगे, गाड़ी हमारी तो खड़ी है, थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ेगा, चलो भाई चले हम अपने घर, आपको अभी तो थोड़ा थोड़ा दिन है, नमस्ते जी, नमस्ते भैया, नमस्ते, बाय, डैडी वहां से गाड़ी लेकर आ रहे हैं, और हम सब आ गए हैं सड़क पे, बुआ छोड़ने आई है हमें, सर जी गए हैं गाड़ी लेने, सब वेट कर रहे हैं अभी गाड़ी का, रात हो गई, मुझे काम भी करना था स्कूल का, स्कूल का काम कल संडे है, कल संडे है, संडे में कर लेना, अभी रात हो गई, पूरे दिन थोड़ी बाल कटवाएगा, बाय बाय, ये काव्या यहीं रहोगी, चलनी नहीं है घर, हम फूफा जी के घर थे शाम को, शाम को नहीं अभी, फिर अब अपने घर जा रहे हैं, वाह काव्या को तो सब पता है मेरी, ऐसे बता देती है, और हम यहाँ 3-4 घंटे रुके हैं और अब जा रहे हैं घर, 8:30 बज गए हैं, दावत खाने आए थे, सिंदारा देने आए थे और सबसे मिलने आए थे, सबसे मिल लिए और जो काम था वो भी हो गया, आप सब, तुम्हें बोलना नहीं आता, आई लव यू, आई लव यू, और ये काव्या की और राजा की हो गई लड़ाई, देखो एक दूसरे के, ए क्या कर रहे हो, नहीं ये देखो ये रास्ते में भी लड़ते चल रहे हैं दोनों, इसे ये काव्या को पारी कर देता है, काव्या गुस्सा करती है बहुत,
राजा रहने दो। कितना लड़ते हो तुम दोनों? मैं दोनों की लड़ाई में मम्मी के भी लग रहा है। क्यों लड़ रहे हो इतना? ये हाथों से तो लड़ती है, पैरों से भी लड़ती है। करके देखिए, अच्छा मार दिया। ओए बहुत जोर से मार दिया, आप मारो मत। मम्मा पास आ जाओ, आगे आ जाओ। राजा का आपके मुंह पे हैंडू लग दिया। कावे क्या हो गया? ये तो मोटी दिखा रही है अपनी। हुआ क्या तुम्हें? तुमने क्यों निकाल दिए कपड़े? मम्मा की गोदी में है ये। देखो ये है, तो निकाल क्यों दी बेटा? पहन लो अपने कपड़े। हाँ पहन लो अपने कपड़े, अब खुद पहन लो। सर जी मेहंदी ले लेना। काप नहीं, कीप, मेहंदी की कीप। क्योंकि वहाँ पे सोनी से तो लगवाई नहीं, टाइम नहीं था, और अब मैं रात को खुद ही लगाऊंगी अपने हैंडू में मेहंदी। काव्या भी लगवाएगी तो मेहंदी लगवाओगी? ये पापा है, ये आपका भी लव है। मेरे लव है। हेलो मम्मी। लव यू टू बेटा। लव यू टू बेटा। अरे देखिए, देख रही था कभी बैलून, कभी खिलौने, कभी आइसक्रीम। ओ भाई साहब, कितने बड़े बैलून थे। डोरेमोन था। डोरेमोन अच्छा। अब हम कहो पापा मुझे भी चाहिए। अरे मैया मेरे हाथ में घुट गई। देखो कितना बड़ा। अम्मा बहुत परेशान कर रखी है इन्होंने। हम सब आइसक्रीम खा रहे हैं। इसके संबंध में आपका क्या कहना है डैडी? ये बहुत अच्छी लग रही है मम्मी। ये लग रही है मेरी भालू। पीछे को मोड़ लो। भालू है, क्यूट सा भालू है मेरा भालू। कच्ची है, बहुत अच्छा जींस का निकर है। ये ड्रेस है इसकी, 2 लाख रुपए की लाई मम्मी। हाँ कुल्फी खाऊंगी मैं। तू राजा ऐसा नई नई चीज बताता रहा है। ये गाड़ी चलाते हुए पापा को कितना परेशान करती है, फिर वही चीखती रहती है। अब आवाज नहीं निकल रही इसकी। बॉडी दिखा दो सबको अपनी। गाइस को बॉडी दिखा दो। ये अब मेरी देखो, अब मेरी ये नहीं बॉडी, अब मेरी देखो बॉडी। ये देखो बॉडी, ये बॉडी मम्मी बिल्कुल परेशान हो गई है। हरा भाई जोगिंदर मेरी बुद्धि। मम्मी काव्या की आज काव्यान और राजा ने मम्मी को कर लिया बहुत परेशान। सर जी ला रहे हैं सबके लिए कुल्फी, आइसक्रीम। हाँ मौज। ओ बेटे मौज कर दी, करण की कुल्फी। पक्के बाग पे ये कुल्फी देते हैं भैया, बहुत अच्छी है। खाइए, पहले भी ये बहुत अच्छी लगती है, जैसे मामा के ढाबे की लगती है ना काव्या, बिल्कुल ऐसा ही स्वाद है इसका। तो ठीक है अब हम खाते कुल्फी। पापा ने मजा कर दी हापुड़ की लाइट फ्लाई ओवर पे, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने घर, और काव्या की आइसक्रीम अभी खत्म नहीं हुई है। काव्या कह रही है, काव्या कह रही है जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो मम्मी बहुत पिटाई लगा रही, घर में गिर जा रही। और हम आ गए हैं घर, और काव्या पूरी आइसक्रीम में मुंह सान लिया। मैं जा रही हूँ उसे नहलाने, कपड़े करूंगी बाद में चेंज। मम्मी की पिन खोल दूं पहले, और जाके मैं उसे नहला के ले आऊँ। और ये काव्या को मैं नहला के ले आई हूँ, क्योंकि इसने आइसक्रीम ऐसे खाई थी, अपने पूरे मुंह पे पेट पे भी गिरा ली थी सब, है ना, सब गंदू गंदू हो गया था मेरा बेबी। अब साफ हो गया, अब सुंदर हो गया। पापा ने मौज कर दी थी, और हम आ गए यहाँ से आ गए हैं। और मैं राजा को भेज रही हूँ मेहंदी लेने। क्या नाम था उनका? सोनी। सोनी से, सोनी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, ड्राइंग भी बहुत अच्छी है उसकी। मेहंदी लगवाने नहीं दी, तो मैं खुद ही लगाऊंगी मेहंदी, और लगा के दिखाऊंगी मैं कैसी लगी है, क्योंकि मैं अपने दोनों हाथों से, दोनों हाथों पर लगाऊंगी तो उल्टी सीधी जैसी भी लगेगी लगाऊंगी जरूर। लेकिन तो पहले हम चेंज करते हैं, और जो एक दो कोई काम होता है उसे काम को खत्म करती हूँ, और फिर मैं लगाने बैठती हूँ मेहंदी। और थजा ले आया मेहंदी। और ये काव्या तुम क्या लाई हो अपने खाने के लिए?
ये देखो काव्या ये लेके आई है खाने के लिए, पता नहीं क्या लेके आई है। और अब मैं लगाऊंगी मेहंदी, मैंने टी शर्ट पहनी है क्योंकि सूट में ऐसे होता नहीं है, तो अब लगाते हैं मेहंदी, देखते हैं कैसी लगती है मुझसे दोनों हाथ में। फिर अभी मैं उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे मेहंदी लगा रही थी, अभी इतनी लगी है, अभी इतनी लगी है और अभी आधी बाकी है, इसको पूरा कर लेती हूँ। फिर मैं अपने उल्टे हाथ पे मेहंदी लगाऊंगी इसी हाथ से जब ये सूख जाएगी, और थोड़ी सी काव्या को भी जरूर लगाऊंगी। काव्या मेरी बैठी है अभी, तब तक काव्या सो जाएगी, इसको सोती हुई को लगाऊंगी। उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल काम है, मैं पूरा एक घंटा होने वाला है मुझे इस हाथ पे मेहंदी लगाते लगाते, और अभी मैं इस पे लगा नहीं पाई हूँ, और 10 बज गए हैं। अभी मुझे दूसरे हाथ पे भी लगानी है, उस हाथ पे मैं जल्दी लगा लूँगी। जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं इस हाथ पे बना लेती हूँ चंदा मामा बीच में, और पीछे भी बना लेती हूँ चंदा मामा। फाइनली मेरे सीधे हाथ पे मेहंदी लग गई है। मेरे को लग गई है भूख और मुझसे पूछ रही है मम्मा मैंने क्या खाया था, मैंने कहा सब्जी पूड़ी खाई थी, तो कह रही मैं अब फिर से खा रही हूँ सब्जी पूड़ी, और सब्जी पूड़ी तो है नहीं, तो काव्या एप्पल खा रही है। ये है सरजी का और मेरा नाम, और ये है हमारे चैनल का नाम, और ये काव्या हैंडू दिखाओ सही से, और ये मैंने काव्या को भी लगा दी है मेहंदी, और ऐसे दिखाओ पीछे, और काव्या के बना दी मैंने चंदा मामा। काव्या को मेहंदी लगानी बहुत मुश्किल है। मम्मी ने यहाँ लगा दी थी चंदा मामा लगा दिए थे मम्मा ने बाबू के पीछे, क्योंकि काव्या को मेहंदी लगानी बहुत मुश्किल है, गर्मी लगती है नहीं खुजली लगती है, और काव्या जब मेहंदी लगवाती है तो काव्या हिलती रहती है। अभी आप हिल रहे थे ना, ऐसे ऐसे हिल रही थी लगवाने में, और बहुत मुश्किल से लगाई है। और मेरे फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।